घटना की चपेट में अब पुलिस अधिकारी विवेदी व्यवस्था डीएसपी ट्रूनेट जांच में पाए गए कोरोना संक्रमित। जांच के लिए सैंपल लेकर भेजा गया पटना। रिपोर्ट आने के बाद होगी पुष्टि। बता दें कि शुक्रवार की सुबह विधि व्यवस्था डीएसपी की खांसी थी, जिसके बाद मगध मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं की ट्रूनेट मशीन से जांच की गई, जहां पॉजिटिव आया। कोतवाली थाने का होमगार्ड जवान भी निकला कोरोना संक्रमित। कर्मियों में मचा हड़कंप। कोतवाली थाने का एक होमगार्ड जवान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद कोतवाली थाने के सभी पुलिस कर्मियों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज जाने की कार्रवाई की जा रही है। सिविल सर्जन ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि कुल 14 कंफर्म कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें गया शहर के 8। मानपुर में जल निकासी का प्रबंध नहीं होने की वजह से फसल हो रही है बर्बाद। प्रखंड मानपुर प्रखंड के लखनपुर पंचायत अंतर्गत बैजल तेतरिया में जल निकासी का समुचित प्रबंध नहीं रहने की वजह से इन दिनों किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि शुक्रवार को ही भारी वर्षा की वजह से जल जमाव की स्थिति खेतों में। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारियों को लेकर की गई बैठक में बनेंगे 1316 सहायक मतदान केंद्र। जर्जर भवन वाले 35 बूथ होंगे परिवर्तित। चुनाव की तैयारी को लेकर डीएम ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। वहीं दूसरी बैठक में SC ST अधिनियम के तहत पीड़ितों को मिला न्याय। वुमेन राइट एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट ने समस्त भारत में कारागार में बंद कैदियों को उनके परिजनों से मुलाकात कराने हेतु नेशनल ह्यूमन राइट एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को पत्र लिखकर मांग की।